व्हाट्सअप ट्रैवलर्स, दिस इज राज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपने जैसे थंबनेल देखा है वो सच बात है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड लगभग 237 बाइक्स को भी रिकॉल करने के लिए बोला है। 350 इंजन में कुछ डिफेक्ट पता किया है उन लोग ने, जो डिफेक्ट है इग्निशन कॉइल पे लेके। तो रॉयल एनफील्ड का जो पोर्टल में इसमें एक मेंशन किया हुआ है, वी हैव आइडेंटिफाइड अ माइनर डिफेक्ट इन अ इग्निशन कॉइल दैट मे पॉसिबली रिजल्टेड इन मिस फायर। तो गाइस, मिस फायर का मतलब यही होता है कि जब भी आप धीरे से बाइक चलाते वक्त इंजन बंद पड़ना, नहीं तो एक एक बार इंजन स्टार्ट भी नहीं होता, ये सभी मिस फायर कैटेगरी में आता है। जो भी बाइक्स दिसंबर 20 से लेके अप्रैल 21 में जो भी बाइक लिया हुआ है उनको रिकॉल करने बोला है। 350 रेंज में जैसे कि सभी बाइक्स हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रा, क्लासिक, स्टैंडर्ड एंड मीटियोर, आप डायरेक्टली रॉयल एनफील्ड से बातें कर सकते हो। टोल फ्री नंबर को भी आप कॉल करके पता कर सकते हो। तो गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हूँ, उसमें जाके चेक कर सकते हो। आपके जो बाइक का जो चेसी नंबर है उसमें डाल के आप पता कर सकते हो कि आपका बाइक रिस्क में है कि नहीं है करके। तो गाइस, ये थर्ड पार्टी ने डिफेक्ट पता नहीं किया, सिर्फ रॉयल एनफील्ड वाले ने पता किया। हमेशा जैसे उन लोग ट्राइज तो करते रहता है, तो उसमें उन लोग ने ये डिफेक्ट पकड़ा गया है। साइलेंटली ये बात को छुपा भी सकते थे रॉयल एनफील्ड, बट ऐसा नहीं किया, इन लोग ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और जितने भी बाइक्स है, जैसे कि नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर कंट्रीज में भी इन लोग एक्सपोर्ट किया है, जैसे कि मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो भी बाइक्स स्पिरिट पे लिया हुआ है सभी बाइक्स को रिकॉल करना पड़ेगा करके इन लोग ने बताया गया है। एक मेल भी आया हुआ है, दैट्स इट। तो गाइस चले, अभी मुझे कुछ बाहर जाने का है, कुछ चीज़ लेने का है मुझे। हाँ भाई, किधर है? ओके, आ रहा हूँ, रुक, चलो। हम लोग ने लॉकडाउन से पहले बहुत कैंपिंग कर चुका है, हम लोग ने एक लिस्ट बनाया है कि नेक्स्ट कैंपिंग में हम लोग क्या क्या मटेरियल लेके जाना है करके। बट हम लोग ने मैक्सिमम कुछ ले लिया है, बट एक चीज़ हम लोग ने अब तक नहीं लिया है। देन वो क्या है? कैंपिंग टेबल लेना है। हाँ, एक कैंपिंग टेबल लेना है। ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट टाइम डेकैथलॉन में एक बार देख लिया है, तो वही हम आज लेने जा रहे हैं। तो उसके बाद इसका एक फ्रेंड है, इसका एक है। हाँ, इसका एक गर्लफ्रेंड जैसी फ्रेंड है, उसको भी देखना है हमको। तो चले, ये है मेरा कैंपिंग टेबल, और इस टेबल से मैं इजीली बाइक में भी कैरी कर सकता हूँ। एक बेनिफिट ये है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट है और एकदम लाइट वेट है, तो इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। इसी का ही मैं तलाश में था, तो फाइनली मिला हुआ है, अच्छा दिख रहा है, तो फाइनलाइज कर दे। अरे, तेरा फ्रेंड जैसी गर्लफ्रेंड किधर है? शायद से आज आया नहीं लग रहा ना। चलो कोई बात नहीं, अब भी हम रूम पहुँच गए हैं। मुझे लगी बहुत ज़्यादा भूख, और दनवी हमने एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? बहरूज बिरयानी। तो एक्चुअली हम लोग ने कल भी ऑर्डर किया था, बिरयानी एकदम नेक्स्ट लेवल था, उसके लिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं ऑर्डर। और अभी आज हम लोग मंगवा रहे हैं कौन सा? दम गोश्त बिरयानी, मटन बिरयानी ऑर्डर किया हुआ है। तो आने के बाद थोड़ा शांति मिलेगा। तो गाइस, अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिला है, इंस्टाग्राम इंडिया पे बैन होने वाला है। कुछ पॉलिसी इंडिया ने प्रपोजल डाला था इंस्टाग्राम वाले को कि कुछ चेंजेस आना चाहिए पॉलिसी पे, अगर पॉलिसी में चेंजेस नहीं आया तो इंस्टाग्राम परमानेंटली इंडिया पे बंद होने वाला है। पॉलिसी क्या है हमको मालूम नहीं है, बट ऑलरेडी लास्ट 2 महीने से पहले इंस्टाग्राम वाले को इंटीमेट किया हुआ था कि ऐसा पॉलिसी में चेंज आने का करके, तो इंस्टाग्राम वाले ने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो इसका असर हमको पड़ने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम में एक्टिव रहता है और बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उनका क्या और मेरा क्या? मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, हमेशा स्टोरी डालता हूँ, हमेशा पोस्ट डालता हूँ, तो वो सब बंद होने का भी चांसेस है, क्या करें। अभी लास्ट ईयर टिकटॉक भी बंद हो गया था, तो वो तो अलग मैटर है, बट ये मैटर तो अलग है, बट ये पॉलिसी का मैटर है, तो कर दो भाई। तो इसका नाम है चैतन्य। हाय गाइस। तो आज ये तूफान है क्या? आज तूफान लग रहा है इसे। जस्ट नॉर्मल बारिश गिरा हुआ है। तो गाइस, आज का ब्लॉग इधर एंड करते हुए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। सो स्टिल एंड टेक केयर, बाय बाय। बूम कर मत।